आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। और यूनिट 4 में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है सरफेस कोटिंग। नाम से भी जैसे पता चल रहा है, सरफेस की कोटिंग करना। कोई भी हमने प्रोडक्शन किया है, कोई भी डिजाइन बनाई है, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किया है, तो उसकी सरफेस पर जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हम उसके ऊपर अदर प्रोसेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी प्रोसेस किए जाते हैं, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर किसी भी एक लेयर की कोटिंग करना, दैट इज कॉल्ड सरफेस कोटिंग। एन इकोनॉमिक मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, टूल्स एंड मशीन पार्ट्स दैट रिक्वायर्ड द डिजायर्ड सरफेस प्रॉपर्टीज सच एज करोजन, इरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस। और सरफेस कोटिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। अलग अलग मेथड से हम उसके सरफेस की कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड के नाम दिए गए हैं, जैसे हार्ड फेसिंग, थर्मल स्प्रेइंग, वेपर डिपोजिशन, आयरन इम्प्लांटेशन, हॉट डिपिंग। मटेरियल साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ही ट्रीटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं मटेरियल के ऊपर, ऐसे ही सरफेस की कोटिंग करने के यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, हार्ड फेसिंग, स्प्रेइंग, डिपोजिशन, इम्प्लांटेशन एंड हॉट डिपिंग। सबसे पहले कि सरफेस फेसिंग की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, व्हाई सरफेस कोटिंग इज रिक्वायर्ड। बेटर, फास्टर एंड चीपर। सरफेस कोटिंग करने से जो हमारा प्रोडक्ट होता है, वो जिस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, वो बेटर, फास्टर एंड चीपर। अब ये जरूरी नहीं है कि हम एंटायर कंपोनेंट को ही कोटिंग करें या किसी एक सेलेक्टेड पॉइंट को कोटिंग करें। जिस पर्टिकुलर पोजीशन से हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हो, हम सिर्फ उस एरिया पर कोटिंग कर सकते हैं, अदर एरिया पर कोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो आइदर द एंटायर कंपोनेंट कैन बी कोटेड और जस्ट द एरिया प्रोन टू अटैक, विच एवर बेस्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, हमें सिर्फ उतने ही एरिया की कोटिंग करनी होगी, क्योंकि कोटिंग करने से भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब हम कंप्लीट एरिया की कोटिंग नहीं करेंगे, तो वहां पर हमारी इकोनॉमिकली ठीक रहेगा। सरफेस प्रॉपर्टीज जो मैन्युफैक्चर होते हैं कंपोनेंट, उनकी कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज किस किस चीज पर डिपेंड होती है। तो सरफेस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन सरफेस एनवायरमेंट्स, वियर, करोजन रेजिस्टेंस, थर्मल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इम्प्रूव्ड एस्थेटिक अपीयरेंस। यूजुअली ये
कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं सरफेस की, इंडिविजुअली या कंबाइंड हमें रिक्वायरमेंट होती है, इनकी वजह से हम किसी भी सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं जब हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। पहला तरीका हमने बताया था हार्ड फेसिंग, हार्ड फेसिंग टर्मिनोलॉजी के सरफेस कोटिंग करने में हार्ड फेसिंग एक मेथड है, उसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल का कोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है कि ये हमारा बेस मेटल था कंप्लीट। इस बेस मेटल में हमने कुछ रीबिल्डिंग की। रीबिल्ड क्या है? रीबिल्डिंग है रीस्टोरिंग ऑफ ए पार्ट टू इट्स इनिशियल डायमेंशंस व्हेन इट्स ज्योमेट्री हैज बीन चेंज्ड बाय वेयर। जब कोई मटेरियल वेयर प्रॉपर्टी की वजह से, वेयर की वजह से उसकी डायमेंशंस, उसकी ज्योमेट्री में कुछ चेंज हो जाता है, तो हम उसकी डायमेंशनल चेंज को रीस्टोर करते हैं। वो होता है रीबिल्डिंग, दोबारा से उस इनिशियल डायमेंशंस को लेके आना, उस इनिशियल डायमेंशन को स्टोर करना। और ये रीबिल्डिंग जो हमारा बेस मटेरियल होता है उस बेस मटेरियल के अंदर ही होता है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हमारा बेस मटेरियल था, इस बेस मटेरियल को कंप्लीट करने में जो एडिशनली हम कर रहे हैं वो है रीबिल्डिंग। तो ये पार्ट हुआ इसका नीचे वाला रीबिल्डिंग। अगर वियर की वजह से उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हमें रीबिल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन उसके ऊपर जो हमारा बेस मटेरियल है, उस बेस मटेरियल के ऊपर एक बफर लेयर रखते हैं हम। बफर का मतलब होता है एक्सेस लेयर। सेकंड हो गया हमारा इसमें बफर लेयर, ये जो यहां दिखाई हुई है, दैट इज बफर लेयर। और ये लेयर हमारी बेस मटेरियल के ऊपर होती है। तो बफर लेयर क्या कर रही है? ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ इन कंपैटिबिलिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड क्लैडिंग। तो इन कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम करती है किस किस के बीच की? बेस मटेरियल और जो हम हार्ड फेसिंग कर रहे हैं, जो उसके ऊपर क्लैडिंग कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की इन कंपैटिबिलिटी को ओवरकम करती है बफर लेयर, यानी कि एक्सेस मटेरियल। अब हार्ड फेसिंग है क्या? हार्ड फेसिंग इज द डिपोजिशन ऑफ ए सरफेस लेयर बाय वेल्डिंग विच इज हार्डर देन द बेस मेटल। इट्स पर्पज इज टू गिव वियर रेजिस्टेंस। हार्ड फेसिंग क्या है? फेस को हार्ड कर देना। जो बेस मटेरियल हमारे पास है उस बेस मटेरियल के फेस को हार्ड कर देना होता है हार्ड फेसिंग। और वो हार्ड कब हो सकता है? जब हम उसके ऊपर एक ऐसी सरफेस की लेयर लगा दें जो बेस मटेरियल से हार्ड हो। इससे क्या होता है? हमारा जो मटेरियल होता है
उसकी वियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका वियर रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है। अब ये हार्ड फेसिंग दो टाइप की होती है, प्रिवेंटिव हार्ड फेसिंग एंड रेमेडियल हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग कैरेक्टराइज्ड बाय साउंडनेस, टफनेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक करोजन एंड हाई टेम्परेचर। अब हार्ड फेसिंग प्रोसेस जो चूज करते हैं वो कौन सा प्रोसेस चूज किया था, कि हमें हार्ड फेसिंग जो करनी है वो किस तरीके से करनी है, ये हमारा डिपेंड होता है कि कौन सा किस तरीके से हार्ड फेसिंग की जाए, उसका शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, शेप और साइज पर डिपेंड होगा, जो कंपोनेंट है उसकी फंक्शनिंग क्या है, कितनी हमें हार्ड फेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, फंक्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट की हम हार्ड फेसिंग कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ रिपेयर, एसेसिबिलिटी, बेस मेटल कंपोजिशन एंड हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, जिनकी हम हार्ड फेसिंग कर रहे हैं वो कितने नंबर्स हैं, इन पैरामीटर्स पर डिपेंड होता है कि हम किस टाइप की हार्ड फेसिंग चूज कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ हार्ड फेसिंग, फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, जब उसका सरफेस हार्ड हो जाएगा तो वो कम खराब होगा, उसकी मेंटेनेंस कम हो जाएगी, और जब हार्ड फेस है उससे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो उसकी कम होगी। जब सरफेस बेस मेटल से ज़्यादा हार्ड हो गया तो जो उसे हम रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग में बेस मेटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो वो हार्ड फेसिंग, हार्ड सरफेस या हार्ड मेटल ही ब्रेक होगा, तो रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम होगी, और जो टूल है हमारा हार्ड फेसिंग होने की वजह से उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी और ख़राब कम होगा, ख़राब हो जाएगा तो ऊपर वाली सरफेस ही हमारी ख़राब होगी, सिर्फ मेंटेनेंस कम होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम, सो रिड्यूस मेंटेनेंस, रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट, लोअर रिपेयर कॉस्ट, एक्सटेंडेड इक्विपमेंट लाइफ। हार्ड फेसिंग डिफरेंट डिफरेंट वेल्डिंग मेथड से हम कर सकते हैं। हार्ड फेसिंग में क्या कर रहे हैं, बेस मेटल के ऊपर एक हार्ड मटेरियल की लेयर को पेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। तो हार्ड फेसिंग में डिफरेंट डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, और वो किस पर डिपेंड होगा, जो अभी ऊपर पैरामीटर्स बताए थे उन सभी के ऊपर वो डिपेंड होगा। तो डिफरेंट प्रोसेसेस, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से हार्ड फेसिंग कर सकते हैं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के हेल्प से कर सकते हैं, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग की हेल्प से कर सकते हैं, और सबमर्स्ड आर्क वेल्डिंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम हार्ड फेसिंग कर सकते हैं। अब इनका यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेसेस, जो हार्ड फेसिंग में डिफरेंट डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उनका आपस में यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया हुआ है।
सबसे पहला गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये मैनुअल भी हो सकती है और ये ऑटोमेटिक भी हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करती है, गैस के थ्रू यहां पर वेल्डिंग होती है और डाइल्यूशन यहां पर 5 से 15% होता है और जो डिपोजिशन रेट होता है वो 0.5 से 1.5 kg पर आवर का डिपोजिशन रेट होता है एव ऑफ द बेस मेटल। अगर हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात करें तो ये हमारी मैनुअल वेल्डिंग होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, यहाँ स्लैग जनरेट होता है, स्लैग के थ्रू वेल्डिंग हो रही है, डाइल्यूशन 15 to 30% एंड डिपोजिशन रेट इज 1 kg per hour to 3 kg per hour। गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ये सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक टाइप की होती है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, वेल्डिंग गैस के थ्रू होती है, डाइल्यूशन 15 से 35% होता है और यहाँ पर डिपोजिशन रेट 3 to 10 kg per hour होता है। फोर्थ वन इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये ऑटोमेटिक होती है, फ्लक्स वैपिंग के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस होता है, स्लैग के थ्रू वेल्डिंग होती है, डाइल्यूशन यहाँ पर 30 to 50% होता है और डिपोजिशन रेट भी यहाँ ज़्यादा होता है 5 to 20 kg per hour। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम हार्ड फेसिंग के लिए यूज कर रहे थे और उनका एक चार्ट के थ्रू टोटल कंपैरिजन किस तरह से वेल्डिंग हो रही है, कितना डाइल्यूशन हो रहा है, कितना डिपोजिशन रेट है, ये टोटल कंप्लीट चार्ट है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल स्प्रेइंग। अगर सरफेस को कोट करना है, कोटिंग करनी है, तो हम उसकी कोटिंग थर्मल स्प्रेइंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ये थर्मल स्प्रे है क्या? थर्मल स्प्रे इज ए जेनेरिक टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इन विच मेटेलिक, सिरेमिक, सरमेट एंड सम पॉलीमेरिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, वायर, रॉड आर फीड टू ए टॉर्च और गन विद विच दे आर हीटेड टू नियर और सम वाट अबव देयर मेल्टिंग। थर्मल नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेचर, स्प्रे इसका मतलब स्प्रे करना थ्रू दी टॉर्च और गन। इसमें क्या होता है कि जिस मटेरियल की हम थर्मल स्प्रेइंग कर रहे हैं या जिस किसी भी मटेरियल, सिरेमिक, पॉलीमर्स, किसी की भी अगर हम थर्मल स्प्रेइंग कर रहे हैं और वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पाउडर फॉर्म में, वायर फॉर्म में, रॉड की फॉर्म में, उसे हम एक गन के थ्रू पास कराते हैं, उसे हम फीड करते हैं उस टॉर्च और गन में और उसका टेम्परेचर उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर के इक्वल रखते हैं, जिस टॉर्च से, जिस गन से हम उसे पास कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर जिस मटेरियल को
हम उसमें से फीड करा रहे थे उसके मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल रखा जाता है, उसके आसपास रखा जाता है, जिससे कि वो मटेरियल हमारा मेल्ट हो जाए। सो प्रोजेक्टेड अगेंस्ट द सरफेस टू बी कोटेड, और उसे जिस पर्टिकुलर सरफेस को कोट करना होता है वहाँ हम प्रोजेक्ट करा देते हैं, वहाँ हम उसे डिपॉजिट करा देते हैं। ये होता है हमारा थर्मल स्प्रेइंग। यहाँ पर ये थर्मल स्प्रेइंग का प्रोसेस दिखाया गया है। ये गन हो गई जिसमें से हम फीड करा रहे हैं उस मेटल को जिसकी हमें स्प्रे करनी है। इस गन से वो पास होता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो टेम्परेचर उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल रखा जाता है जिससे वो मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट होने के बाद गन के थ्रू हम उस सरफेस के ऊपर उसे डिपॉजिट कर देते हैं। जब वो मेटल बेस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि हम थर्मली बेस मटेरियल के ऊपर किसी दूसरे मेटल को, हार्ड मेटल को उसके ऊपर स्प्रे करा रहे हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कि ये मेल्ट होने के बाद इस फॉर्म में ये यहाँ पर आकर स्प्रे हो रहा है, दैट इज थर्मल स्प्रे। थर्मल स्प्रेइंग प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है। प्लाज्मा आर्क से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम एंड काइनेटिक। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन आते हैं। प्लाज्मा आर्क के थ्रू एयर एंड चैम्बर, एयर में भी किया जा सकता है ओपनली, और किसी एक चैम्बर के अंदर भी किया जा सकता है। चैम्बर में भी डिफरेंट डिफरेंट इनर्ट चैम्बर, लो प्रेशर चैम्बर, शॉर्ट चैम्बर, हाइपरबैरिक चैम्बर, अंडर वाटर चैम्बर। इलेक्ट्रिक आर्क में एयर, इनर्ट एंड चैम्बर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। फ्लेम में पाउडर, वायर एंड रॉड, तीनों टाइप की फ्लेम यूज की सकते हैं। पाउडर में कन्वेंशनल, डीगन, हाई वेलोसिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं थर्मल स्प्रे कराने के। इन अलग अलग मेथड की हेल्प से हम थर्मल स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ इनका कंपैरिजन दिखाया गया है, कंपैरिजन ऑफ सेवरल कॉमन थर्मल स्प्रे प्रोसेसेस। प्लाज्मा स्प्रे जो कोटिंग मटेरियल होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो हीट सोर्स यूज कर रहे हैं वो प्लाज्मा फ्लेम होती है। फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो 12,000 से लेके 16,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो गन से गैस स्प्रे कर रही है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 500 से 600 मीटर पर सेकंड होती है। पोरोसिटी 2-5% एंड कोटिंग एडेशन 40-70 मेगा पास्कल।
वायर आर्क स्प्रे, इसमें जो कोटिंग मटेरियल होगा वो वायर होगा, हीट सोर्स जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक आर्क होगी, फ्लेम का टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, गैस की वेलोसिटी जो स्प्रे कर रही है लेस देन 300, पोरोसिटी 5 से 10%, कोटिंग एडहेशन 28 से 41 मेगापास्कल। नेक्स्ट प्रोसेस वायर फ्लेम, कोटिंग मटेरियल यहां पर भी वायर, हीट सोर्स जो यूज कर रहे हैं ऑक्सी फ्यूल कंबशन, फ्लेम का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस, गैस वेलोसिटी लेस देन 300, पोरोसिटी 5 to 10% एंड कोटिंग एडहेशन 14 से 21 मेगापास्कल। लास्ट वन HVOF, कोटिंग मटेरियल पाउडर की फॉर्म में होता है, ऑक्सी गैस फ्यूल कंबशन, फ्लेम टेम्परेचर इज 3200 डिग्री सेल्सियस, गैस वेलोसिटी इज 1200 मीटर पर सेकेंड एंड पोरोसिटी इज 1 to 2% एंड कोटिंग एडहेशन मेगापास्कल में ग्रेटर देन 70 मेगापास्कल। तो ये थर्मल स्पेयरिंग के सभी प्रोसेस का एक कंपैरिजन चार्ट है। तो सरफेस कोटिंग में हमारे दो ही मेथड पढ़ने थे, हार्ड फेसिंग एंड थर्मल स्प्रे। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।